सत श्री अकाल जी, हेलो एवरीबॉडी। तो एयर कनाडा के ट्विटर हैंडल पर काफ़ी यूज़र ये पूछ रहे हैं कि एयर कनाडा की जो फ़्लाइट्स की कोई स्टार्टिंग डेट स्टार्ट है कि नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट टू इंडिया टू कनाडा, या प्रीवियस फ्लाइट की तरह जो 24-21 की थी वो भी कैंसिल ही होगी। तो एयर कनाडा ने कहा है कि ये आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और यहाँ आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो एंट्रिंग द रिक्वायरमेंट है, तो आने वाले टाइम में शायद से फ्लाइट स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये काफ़ी मैंने सर्च करी है, तो काफ़ी यूज़र्स को ये लिंक दिया जा रहा है कि अपनी फ़्लाइट्स बुक करिए इंडिया टू कनाडा। तो आने वाले टाइम में ये होप है कि फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है। तो अभी एक यूज़र है, तो मैं आपको दूसरे यूज़र्स के भी दिखाती हूँ। तो ये उन्होंने लिंक दे जा रहे हैं, आप यहाँ से अपनी फ़्लाइट्स जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। तो आप उनको ये लिंक कि आप फ़्लाइट बुक करिए, कौन सी आप इंडिया या कनाडा, ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल इन्होंने रखा हुआ है, फ़्लाइट्स की डेट्स आनी स्टार्ट हो रही हैं। आप देखिए, ये 3 फ्लाइट वीक अक्टूबर पर वीक स्टार्ट अक्टूबर 31st, ये मॉन्ट्रियल टू दिल्ली है। काफ़ी को लिंक दिया जा रहा है, ये लिंक अभी दिया हुआ है कि इतनी फ्लाइट्स अक्टूबर की हैं, सितंबर की अभी इसमें कोई है नहीं। बाकी आगे हम चेक करते हैं, दिल्ली ये रिज्यूम होएगी, ये दिल्ली टू ओंटारियो टू दिल्ली 1st flight per day रिज्यूम होंगी, ये 18 सितंबर की लिखी हुई आ रही है, पर जबकि 21 सितंबर का फ्लाइट बैंड है। 1 flight resuming आ रही है, देख लिया, जो 20 सितंबर को नहीं, यानी कि वो रिज्यूमिंग होगी फ्लाइट। तो ये लिंक एयर कनाडा, जो कोई एयर कनाडा से पूछ रहा है कि फ़्लाइट्स जो है कैंसिल होगी या रिज्यूमिंग होगी, कब तक होगी, तो ये दे रही है। तो आके एक दो और यूज़र, एयर कनाडा को किसी और यूज़र ने भी पूछा था, तो इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एक्सटेंड करा हुआ था रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑल डायरेक्ट फ्लाइट्स जो कमर्शियली और प्राइवेट पैसेंजर के लिए थी, फ़्लाइट टू कनाडा फ्रॉम इंडिया टिल सितंबर 2021। तो अवर फ्लाइट फ्रॉम इंडिया विल रिज्यूम वैन रिस्ट्रिक्शन इज लिफ्ट, जब रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होंगी साथ के साथ हमारी फ़्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगी। किसी और यूज़र ने पूछा है कि कंफर्म है कि डैट फ्लाइट जो है फ्रॉम इंडिया टू कनाडा आर रिज्यूमिंग हो रही है 21 सितंबर तक। तो एयर कनाडा ने कहा है कि डैट टाइम अवर फ्लाइट आर सेट टू रिज्यूम आफ्टर 21 सितंबर, यानी 21 सितंबर के बाद ही हम रिज्यूम करेंगे। हाउ एवर सब्जेक्ट टू बी चेंज इवेंट, ये चेंज भी हो सकता है, तो नॉट एबल एक्सटेंड टू कीप योरसेल्फ अपडेट विद आवर करंट शेड्यूल रूट वी आर, आपको लिंक दे रहे हैं, आप विजिट। जैसे ट्विटर पर एयर कनाडा जवाब दे रहा है, तो आने वाले टाइम में पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है, बाकी वेट एंड वॉच है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।